देखिए गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू होते ही अब बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री गंगोत्री धाम आ रहे हैं और पिछले चार दिन में गंगोत्री धाम में 25,775 यात्री और यमुनोत्री धाम में 25,032 यात्री दर्शन कर चुके हैं। पिछले दो वर्षों से कोविड के कारण तीर्थों में सूनापन था, लेकिन इस बार काफ़ी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पहुंचे, चारों धाम में पहुंच रहे हैं। बहुत ही हर्ष हो रहा है और जो सुना हो गया था, इस बार यात्रियों को देखने के बाद धाम में खूब चहल पहल और यात्रियों के दर्शन माँ गंगा के कर रहे हैं। देखिए चारधाम यात्रा को लेकर इस बार यात्रियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देश के कोने कोने से तीर्थ यात्री चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा टिहरी जिले से भी होकर गुजरती है और चंबा के चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव चंबा को कहा जाता है। यात्रियों का कहना है कि कोविड के चलते 2 साल के बाद उन्हें चारधाम यात्रा पर आने का मौका मिला है, जिससे वो बेहद उत्साहित हैं। कोई अकेले पहुंचे हैं, कोई पूरे परिवार के साथ पहुंचे खुशी खुशी यहाँ पर। और 2 साल से जब मौका नहीं मिला कोविड की वजह से, कोरोना की नकारात्मकता थी, अब लोग चाहते हैं कि चारधाम यात्रा में जाएं और सकारात्मकता का संचार हो, सकारात्मकता उनको मिले। हम बहुत खुश है कि हमको रजिस्ट्रेशन मिल गया इस बार, और मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पे भी सब कुछ कंट्रोल है, माहौल अच्छा है, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, मैंने तो अभी निकाला है लेकिन पहन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इट्स गुड, जाना चाहिए हमको। आज हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। आपको बताएं सुबह 8:30 हर की पैड़ी पहुंच कर सीएम धामी सुबह 11:40 तक रामगढ़ नैनीताल भी पहुंचेंगे, ये उनका कार्यक्रम है। रविंद्र जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे मुख्यमंत्री और 1:30 खटीमा पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो हरिद्वार से लेकर के खटीमा तक का ये पूरा शेड्यूल आ चुका है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जहां चुनाव और उससे पहले मां गंगा की पूजा करेंगे, ये भी खबर है। चुनाव से जुड़ी जानकारी यह है कि तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। उपचुनाव में जोश भरने का काम तमाम कार्यकर्ताओं में करेंगे और वही रणनीति है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने कामकाज में भी लगे रहते हैं। ऐसे में तमाम कार्यकर्ता ही होते हैं जो उनका संदेश पहुंचाते हैं, उपचुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं, तो उन्हीं कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। चंपावत चुनाव को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। कल करेंगे सीएम धामी अपना नॉमिनेशन फाइल और अभी तक भाजपा कांग्रेस अपने प्रत्याशी का ऐलान कर चुके हैं। आज ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है, क्योंकि वक्त कम है। देखिए कल तो सीएम पुष्कर सिंह धामी नॉमिनेशन भी फाइल करने वाले हैं, प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है कांग्रेस की तरफ से भी। अब आम आदमी पार्टी के भीतर लगातार मंथन का दौर चल रहा है, वो किसको मौका देते हैं, किसको यहाँ पर टिकट मिलता है, किसको मैदान में उतारती है आम आदमी पार्टी, इसको लेकर भी बैठकों का दौर पार्टी के भीतर लगातार चल रहा है। लेकिन अहम जानकारी ये है कि पुष्कर सिंह धामी कल करेंगे नॉमिनेशन फाइल।